शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने आप पर काबू नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अपना इरादा बदल सकते हो, मगर याद रखना मैं वही करूंगा जो मैंने कहा। माइंड मत करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जगह मैं होता और आपकी बेटी जैसी मेरी बेटी होती तो मैं भी वही कहता जो आपने अभी कहा। चल यार तू भी ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। okay. और वैसे भी मैंने किसी मूर्ख का पालन पोषण नहीं किया जो किसी भी अहरे गहरे को घर ले आएगी। लोकरी जल्दी आओ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। लेखा से कुछ मत कहना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और वैसे भी अब तुम रिश्तेदार हुए ना। अरे अभी से कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि सर वो। अरे ये सर वर अंकल वंकल सब छोड़ो, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम उल्लास रखा है, उल्लास। ठीक है, मैं जो कह रहा था कि सर वो। फिर सर? मेरा नाम उल्लास है, उल्लास। उल्लास, दैट्स गुड। पियो। हाँ, तुम दोनों एक साथ? मैं उसे समझा रहा था कि अगर उसे नहाना है तो गीजर कैसे ऑन किया जाए। तो उसके लिए बाथरूम अंदर से बंद करने की क्या जरूरत थी? कमाल, बंद था। हाँ था, और इसके अलावा नहाने की जरूरत तो तुम्हें है। नहीं, दूर से भी चिकन की बांस आ रही है। उड़ा उड़ा अपने उल्लास का मजाक उड़ाओ। अरे दादा कौन की फिल्म शुरू हो रही है, आ गया। तुम ठीक तो हो? जरा सी खरो चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये बेकार के खेल कूद अब बंद कर देनी चाहिए? डिग्री के बाद तुम्हें एमबीए करना है। उसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं। तो क्या सोचा है तुमने और क्या करोगे? देखेंगे। देखने सोचने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। डिग्री हाथ में आते ही एडमिशन की भागदौड़ शुरू हो जाएगी। मैं आईआईएम की ट्रस्टियों से बात कर लेता हूं। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिएगा। अगर मुझे मेरिट से एडमिशन मिला तो ही मैं एडमिशन लूंगा। जो तुम्हें अच्छा लगे। हालांकि मैंने सोचा नहीं है, फिर भी अगर मैं एमबीए करूंगा तो मैं पुणे में कंटिन्यू करना चाहूंगा। पुणे में? पुणे में कुछ भी नहीं है। मेरे लिए बहुत कुछ है सर, यही रहना मुझे अच्छा लगता है। जो तुम्हें ठीक लगे, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। नहीं सर, आप मदद नहीं, आप ऑर्डर कर रहे थे। ये तुम्हारे बागी दिमाग के ख्याल हैं, सीख जाओगे तुम। ये जख्म डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते? नहीं सर, आई एम फाइन। मैं रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूं। और कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? कुछ खास नहीं सर, माँ को प्यार दीजिएगा। ठीक, कैन आई ड्रॉप यू ऑफ समवेयर? नो सर, आई विल बी ऑलराइट। Excuse me. Yeah? Yeah? Oh, she's upstairs. Thanks. You're welcome. He's so good looking. Oh, Lars. I'm also missing you very much. Tumhari bahut yaad aa rahi hai. You take care. I love you. Bye. Kissy. Bye. Woh tum ho nahi jo dikhti ho. Kya? Ye Lars kaun hai? Mere daddy. I'll change and come. You fool. आजकल मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा। क्यों क्यों क्यों? बस मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे साथ में क्या क्या कर सकता हूँ। अब समझी, पिछले कुछ दिनों से तुम मेरी तरफ किस नजर से देख रहे हो। ए, अब तुम अपने आप को इतना खूबसूरत मत समझो। मैं तो नहीं समझती, पर अगर तुम समझ रहे हो तो मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा हर पल दिल करता है कि मैं तुम्हें किस करूँ। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं करता क्या मुझे किस करने को? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारी तरह मैं इस मामले में ज्यादा एक्सपीरियंस। रहने दो, तुमने कभी ना कभी तो किया होगा। ओह या, कितनी लड़कियों को किस किया है तुमने? ए, पुरानी जिंदगी छोड़ो, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। मैं मानता हूँ मैंने कुछ गलतियाँ की थी। गलतियाँ? हाँ,
तुमसे मिलने से पहले नहीं जानता था कि मेरी गलतियां थी, अब जानता हूं। गलतियां तो हर किसी से होती हैं। तो हम गलती से नहीं सोच समझ कर किस करें? पता नहीं, कुछ अजीब सा लगता है। लेखा, तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो? तुमने कभी बताया नहीं, तुमने कभी पूछा ही नहीं। अब पूछ रहा हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अमर, ये क्या कर रहे हो? क्या किया मैंने? क्या मतलब क्या किया मैंने? वेल, मैं तो देखो अमर, हम दोनों के बीच अब तक जो कुछ भी हुआ वही मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम शायद नहीं जानते, मैं इन सब चीजों की आदी नहीं, और लड़के आमतौर पर मुझसे डरते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि ओके। अब ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? समझने की कोशिश करो अमर, हमारे समाज में अगर लड़का ये सब करे तो उसे माचो मर्द कहा जाता है, मगर एक लड़की अगर किस भी करना चाहे तो उसे चालू समझा जाता है। ठीक है ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ और बात करते हैं। देखा, यही हमारे समाज की प्रॉब्लम है, आदमी और औरत इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस बीच में एक दीवार सी खड़ी कर दी जाती है, और फिर यही चीज हमारी जिंदगी का एक रोज का हिस्सा बन जाती है, पर इसके बारे में बोलना मना है। व्हाट इज दिस? वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लड़की के साथ ऐसी बातचीत करूंगा कभी मैं। या आई नो, यू करेक्ट मी अप लेखा, यू आर समथिंग एल्स। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अभी के लिए सिर्फ किसिंग ठीक है और कुछ नहीं, ओके? जो हुक्म सरकार। अब मेरे पास आओ। क्यों? इम्तिहान सर पर है अमर, भला इसी में कि हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? समझा नहीं मैं। एक एक पल कीमती है बुद्धू। कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ, दोस्तों से दूर होने का गम भी है। सोचती हूँ अब हमें भी एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। क्या मतलब? यही कि मैं कल घर जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए? कुछ महीनों के लिए। तो मैं क्या करूँगा? तुम अपने घर जाओगे। पर मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अमर, तुम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उल्लास तुम्हें मार डालेगा, क्या कहूंगी मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड साथ लेकर आई हूँ। हम गांव में रहते हैं अमर, अमेरिका में नहीं। मैं किसी होटल में रह जाऊंगा, मैं कहीं भी रह जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हमारे गांव में कोई होटल नहीं है, और वैसे भी सब जानते हैं मुझे वहाँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? सेठ जी, बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। तुम अमीर माँ बाप के बेटे हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं एक गरीब चिकन फार्मर की बेटी हूँ। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें अलग क्यों होना चाहिए। सेठ जी, ये हिंदुस्तान है, हमारा समाज, हमारी रीति रिवाज, हमारे बंधन। तो ठीक है, हम बंधन में बन जाते हैं, हम शादी कर लेते हैं। क्या? देखो, किसी न किसी दिन मुझे शादी करनी है। हाँ, किसी दिन। किसी दिन किसी से शादी करूँ तो तुम्हारे साथ आज ही क्यों ना करूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। नॉट डोंट बी अप। बात सुनने में अच्छी लग रही है सेठ जी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों खुश हैं, तो और हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो इस बात में इंतजार क्यों? हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, साथ रहने के रास्ते नहीं ढूंढने पड़ेंगे हमें। सेठ जी, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम दोनों शादी करेंगे, या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी कि नहीं? जो तुम समझो। नहीं नहीं, अगर तुम पूछ रहे हो तो ठीक तरह पूछो। तुमने फिर मजाक शुरू कर दिया। मजाक नहीं सेठ जी, मैं सीरियस हूँ, फैसला लेने से पहले मुझे भी तो कुछ सोचना होगा। लेखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सेठ जी, थोड़े प्यार के साथ, ये शादी की बात है, कोई बिजनेस डील नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे पूछा तो मुझसे शादी करोगी? और फीलिंग के साथ। ओके। लेखा,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कितने फिल्मी हो तुम। लेखा, will you marry me? हाँ सेठ जी। चिंटू, उल्लास कहाँ है? उल्लास उधर मुर्गी को दाना डाल रहा है, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे, सामान अंदर रख दो। हाँ ठीक है। अरे, चलो याद रहे, कोई टेढ़ी मेरी बात नहीं, कोई शोशा नहीं, जितनी तुम सीधी बात करोगे उतना ही तुम्हें पसंद आओगे। उल्लास कहकर अंकल सर्वर उसे कुछ और पसंद नहीं है। और क्या यही वो लड़का है? कहाँ से ढूंढ के लाई तुम तो? सर्कस से या रेगिस्तान से? उल्लास, मेरे से। मेरे बेवर की नहीं, उसके बेवर की सोचो। उल्लास, अच्छी तरह पेश आओ। चलो चलो चलो, अच्छी तरह मिलता हूँ तुम्हारे को उनसे। उल्लास, मारूंगी तुम्हें मैं। हाय यार उल्लास। हाय अमर। हे ब्रेड आणायला सांगितलं होतं ना उल्लास तू? हाँ, वर्कर लोक देतो। हाँ, बारिश हो रही थी, अक्का की गाड़ी फंस गई। अक्का ने कहा कि तुम रुको, मैं कहा मैं नहीं रुकता, मुझे जाना है। उल्लास, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे बहुत मजा आएगा। चिंटू चल। अरे चिंटू के हाथ का खाना खा कर कितना पक गया हूँ मैं। एक दिन आलू गोभी तो दूसरे दिन गोभी आलू। हाँ लेखा, तुम चिंटू से कहना तुम लोगों के लिए चिकन ले आ जाए। हाँ, तुम चिकन विकन तो खाते हो? हाँ हाँ खाता हूँ, क्योंकि लेखा चिकन और अंडे खाना पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें भी रोज सुबह दोपहर और शाम चिकन और अंडे ही खाए जाए ना, तो तुम भी यही खाओगे। लेकिन फिकर मत करो, मैं खाऊंगी जरूर। आज जो तुम चिकन खाओगे, इससे बढ़िया चिकन तुमने कभी नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही मक्खन की तरह पिघल जाएगा। तुम जानते हो, दुनिया में मेरे अलावा अगर और कोई खुशकिस्मत आदमी हो तो तुम हो। वेल यस। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, लेखा खाना बहुत अच्छा पकाती है। हम हॉस्टल में रहते हैं इसलिए मुझे मालूम नहीं। अरे यही तो एक गुण है जो उसने अपने माँ से या मुझसे पाई है। वैसे इसकी माँ इतनी खूबसूरत नहीं थी, देवा उसकी आत्मा को शांति दे। और ना इसकी माँ मैं कभी स्कूल गई, और ये शास्त्रीय संगीत पता नहीं उसमें से कहाँ से आ गया। मैं तो दिन भर दादा कोंडके के गाने सुनता रहता हूँ। लेकिन खाना बनाने की खासियत उसने अपने माँ से पाई है। तुम जानते हो मैंने उसकी माँ के साथ क्यों शादी की? नहीं। अरे जानोगे कैसे, जब मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक बार मैं अपने पड़ोसी के यहाँ दावत पर गया था। दावत पर इतना बढ़िया खाना खिलाया गया था जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अच्छा। मैंने पूछा कि खाना किसने पकाया, पता चला कि कोल्हापुर से जो उनकी भांजी आई थी उसने पकाया था। कोल्हापुरी चप्पल और पहलवानों के बारे में तो सुना था, मगर कुक के बारे में पहली बार सुन रहा था। तब मैंने वही अपने माँ बाप से कह दिया कि कोल्हापुरी लड़की लूली हो, लंगड़ी हो, कानी हो, कैसी भी हो, मगर खाना बहुत अच्छा पकाती है, मैं उसी से शादी करूंगा। किस्मत से वो इतनी बुरी नहीं थी, मगर लेखा जैसी खूबसूरत भी नहीं थी, मगर सुंदर तो थी। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि जो भी मेरी बेटी के साथ शादी करेगा उसे मैं ये जरूर कहूंगा। बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो बोलिए आप। अगर तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। माइंड मत करना, अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं, अपने आप पर काबू नहीं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपना इरादा बदल सकते हो। मगर याद रखना, मैं वही करूंगा जो मैंने कहा, माइंड मत करना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आपकी जगह मैं होता और आपकी बेटी जैसी मेरी बेटी होती तो मैं भी वही कहता जो आपने अभी कहा। चल यार तू भी ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। और वैसे भी मैंने किसी मूर्ख का पालन पोषण नहीं किया जो किसी भी अहरे गहरे को घर ले आएगी। लोकरी लोकरी जल्दी आओ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, लेखा से कुछ मत कहना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, और वैसे भी अब तुम रिश्तेदार हुए ना। अरे अभी से कहा? नहीं मेरा मतलब है कि सर वो। अरे ये सर वर अंकल वंकल सब छोड़ो, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम उल्लास रखा है, उल्लास। ठीक है, मैं जो कह रहा था कि सर वो। फिर सर, मेरा नाम उल्लास है, उल्लास उल्लास। दैट्स गुड, पियो।
दोनों एक साथ? मैं उसे समझा रहा था कि अगर उसे नहाना है तो गीजर कैसे ऑन किया जाए। तो उसके लिए बाथरूम अंदर से बंद करने की क्या जरूरत थी? कमाल है, बंद था। हाँ था, और इसके अलावा नहाने की जरूरत तो तुम्हें है। नहीं, दूर से भी चिकन की बांस आ रही है। उड़ा उड़ा अपने उल्लास का मजाक उड़ाओ। अरे धारा कुंड की फिल्म शुरू हो रही है, आ गया अमर। चिंटू कुटा है तू? लोकर है, लोकर कुटा है तू? चिंटू टीवी लाओ ना। उलास, उलास, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी, जल्दी इधर। क्या खराब बस्ती यार, दो बार रास्ते में खराब हो गया यार। प्रोग्राम खत्म तो नहीं हुआ ना? होने वाला, मगर आप टाइम पे पहुंच गए। बहुत से लोग हैं क्या? नहीं, सिर्फ 15-20 लोग हैं, दोस्त लोग। अरे यार, ये शास्त्रीय संगीत तो मेरे समझ में कुछ नहीं आता यार।